कमाल है यार, कल डिनर पर आए नहीं तुम लोग? हीना बिल्कुल हिंदुस्तानियों वाली हरकत। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों वाली हरकत ही करेंगे ना, और डिनर का क्या है, आ जाएंगे कल परसों, अपना ही तो घर है। यार सारी वो क्या, एक मिनट सारी। ओके सर, अब बोल। चल यार तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ वो तो तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है कुछ बात करनी है। आज से पहले इतना स्पिरिटेड और खुश कभी नजर नहीं आया तू। तो सुन तो सही ना, एक मिनट बैठ के बात करें। चला तेरी आदत नहीं है यार। कम सेट नाउ, चल मी, आपकी खुशी का राज क्या है? या मैं कोई अंग्रेज तो हूँ नहीं जो अपनी खुशी को बिल्कुल नाप तोल के रखूंगा चेहरे पे। हाँ मानता हूँ यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं हिंदुस्तानी। तेरे जैसा फुल फ्लेज अंग्रेज नहीं बना मैं, मुझे तो पक्का यकीन था। यू नो जिस दिन से हम स्कूल में थे ना, याद है पंजाब में? ए देख तो फिर अपने पंजाब के किस्से मत शुरू कर, ये बता बात क्या चल रही है? यार मैं ये कहना चाहता था, तो याद है कुणाल ने एक पेपर लिखा था मेडिकल जर्नल में? हाँ, हाँ वो जो मेडिकल जर्नल में छपा भी था। हाँ यार मेडिकल काउंसिल का जवाब आ गया और शायद आगे की रिसर्च के लिए हामी की उम्मीद है। Hey, that's real good news, man. मुबारक हो। You know, अम्मी मुझे पूरा यकीन था कुणाल तेरा नाम जरूर रोशन करेगा। यार बड़ी तसल्ली होती है देख। एक बात बताऊं, अगर तेरा और कुलन भाभी का सपोर्ट ना होता ना तो मेरा बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे जैसा नलायक बाप, अनपढ़ साला गवार। अम्मी हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, व्हाई डू यू टॉक लाइक दिस? गेट आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मैन। अब देख मैंने पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बना, सर्जन बना, बट यू अर्न एज मच एज मी। नहीं यार मे बी मोर, मुझसे ज्यादा भी कमाता होगा तू। नहीं वो तो कर, एंड कुणाल इज अ ब्रिलियंट बॉय, आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही इज अ रोल मॉडल फॉर माय सन। यू नो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि विक्की भी कुणाल जैसा कुछ कर कर दिखाए। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यू नो। अरे क्यों नहीं करेगा यार, विक्की कोई कम होनहार है यार। पता है सुबह ही उसकी याद आ रही थी मुझे, तुझे याद है जब तू यहाँ पर आया था? दोनों इतने ऐसे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने थे। जस्ट सीम्स लाइक यस्टरडे, टाइम रियली फ्लाइज। और फिर तूने भी तो कितनी मदद की थी हमारी, इनफैक्ट तुम्हें तो बुलाया था मैंने। सारी सारी मैंने तुमको कितनी बार कहा है ये बात दोहराया मत कर तू कभी। हाँ अच्छा एक बात बता, विक्की है कैसा यार, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई। विक्की, यू नो विक्की, अच्छा किया मिसेस बत्रा जो आपने उसे सुना डाला, ऐसी स्नॉब है कि पूछो मत। अरे पार्टी में आती है तो उसके बस दो ही काम रहते हैं, एक तो बेकार में शो ऑफ करना और जेलस होना। मुझसे तो इतनी जेलस है, इतनी जेलस है कि पूछो मत। अरे अब देखो ना, खुद का बेटा कुछ अंग्रेजी दोस्तों के साथ दिन रात ड्रग्स पिए पड़ा रहता है, और मेरे बेटे कुणाल से जलती है, डॉक्टर कर रहा है और रेडियो पे वो शोज करता है म्यूजिक के। आपको तो पता है कितना पॉपुलर है मेरा बेटा। मिसेस बत्रा लड़कियों के तो इतनी फैन है उसकी आवाज की, इतने फोन कॉल्स आते रहते हैं कि मैं तो बस हैरान होती हूँ। लगता है रेडियो जॉकी की नहीं स्टार मदर हूँ, फिल्म स्टार की माँ। अब ये सब बातें मैं उस शीतल को जाके बताऊँ तो बस। आपको तो पता है, लेकिन देखिए मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, आज शाम की पार्टी में ही बात जरूर छेड़ूंगी। हाँ अच्छा फिर शाम को मिलते हैं, बाय, टेक केयर। अरे बेटा ऐसा बेचैन क्यों लग रहा है? मॉम मैंने कितनी बार आपसे कहा है इस तरह दूसरों के सामने मेरी तारीफ मत किया कीजिए, इट्स नॉट राइट। दूसरे कहा, मिसेस बत्रा तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, गैर कहा है कुणाल? अरे भाई कौन गैर नहीं है, हा? गैर हो या अपना, आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं उसकी तारीफ करूं किसी से। भाई ये भी कोई बात हुई? भाई ये भी कोई बात हुई,
Anyway, मेरा कोई फोन आया था मॉम? नहीं तो आईशो कैसा फोन कॉल? स्टूडियो से आने वाला था। मैंने तो सुबह से एक भी फोन कॉल नहीं लिया। हाँ ओंकार, आप सुबह वो फोन पर बात? अरे भाई नहीं आया तो नहीं सही। कोई किसी का गुलाम तो नहीं है ना, ये कोई बात तो नहीं होती। जब मुसीबत सर पे आ पड़ी होती है तब आके फोन करते हैं कि आ जाओ अभी आ जाओ, ये कोई तरीका होता है? डैड जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए एडजस्टमेंट करता हूँ, वैसे वो भी मेरे लिए एडजस्टमेंट करता है। I mean, what's the problem? ओए तू एडजस्ट ही करता रहेगा रेडियो के प्रोग्राम या अपनी डॉक्टरी के बारे में भी कुछ सोचेगा, नामी डॉक्टर बनने के बारे में? डॉक्टर तो मैं हूँ ना डैड, आपकी तमन्ना थी कि आपका बेटा पढ़े डॉक्टर बने तो। एनीवे डैड एक्सक्यूज मी प्लीज, मॉम कैन आई जस्ट हैव द फोन? बेटा 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 आज सरब अंकल तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे सच में, और उन्हें इतना अच्छा लगा जब मैंने उनको बारे तुम्हारे वो क्या रिसर्च के बारे में बताया था। हाँ सच में बहुत। फोन रिंगिंग डैड एक्सक्यूज मी। हेलो यार रॉनी टेल मी व्हेन डिड यू कॉल? आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस रॉनी, आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स डेफिनेटली श्योर बाय। डैड आपने ये क्यों किया, हमेशा आप ऐसे करते हैं। रॉनी का फोन आया, आपने कहा मैं घर पे नहीं हूं। तो मैं और क्या करता, उसे ये कह देता कि हाँ मेरा बेटा जरूरत से ज्यादा शरीफ है, उसका तुम फायदा उठाओ, भरपूर फायदा उठाओ। Dad, जब मर्जी आए तब फोन कर लो, तब यहाँ ले जाओ, ले आओ वापस ले आओ। दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म डैड। प्रोफेशनलिज्म? ओए तेरा प्रोफेशन है डॉक्टरी करना। बेटे सरब अंकल ने कितने सारे पैसे कमा लिए डॉक्टर बनके, इसमें क्या रखा है, कोई कमाई नहीं है। कमाई की बात ही नहीं है डैड, दिस फॉर माय लव फॉर म्यूजिक नॉट फॉर मनी। अच्छा आई अंडरस्टैंड बेबी, अब तुम मुझे भी तो अंडरस्टैंड करना। देख आजकल की दुनिया में दुनियादारी की कीमत है, शराफत की कोई कीमत नहीं है। शराफत। I don't have time for this right now. I am late. Thanks to you. Bye, Dad. Bye, Mom. Bye. आप भी बस बेकार में उसे अपसेट करते रहते हैं। इस नई जनरेशन को ले डूबेगा उनका म्यूजिक। Good morning, Ms. Henry. Good morning, Doctor. Sir, there's an Indian family for the child case. Yeah, I remember. Must be Mr. and Mrs. Kapoor. Send them in. Yeah. Call Mr. and Mrs. Kapoor. Okay. Mr. and Mrs. Kapoor, please. That's done with. Good morning, Mrs. Henry. Good morning, Vicky. Your father. Good. All right, son? Feeling better? Yeah. Good boy. Look, Mr. Kapoor. बच्चे का एक्सीडेंट होना एक और बात है, लेकिन अगर बच्चा खुद अपना सर फोड़ ले तो बात बहुत सीरियस है। और आप एक बाप हैं, और एक बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने बच्चे को समझना। हम हिंदुस्तानी अच्छे कपड़े पहनाने को, अच्छा खाना खिलाने को परवरिश समझ बैठते हैं, और फिर यहाँ इंग्लैंड में आकर तो हम ये समझ बैठते हैं कि हमने अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया देश भी दे दिया रहने के लिए। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझना, अपने बच्चे को समझना। पर डॉक्टर साहब अभी तो बहुत छोटा है, गलती कर रहे हैं आप मिस्टर कपूर, इसे छोटा मत समझिए, इसे अपनी उम्र का समझिए, इसके साथ बराबर का रिश्ता रखिए, बराबर का। मैं तो अपने बेटे को बचपन से ही अपनी उम्र का मानता आ रहा हूं, जब वो 10 साल का था तब मैं 10 साल का था, जब वो 14 साल का था तब मैं भी 14 साल का था, और आज जब वो 22 साल का है तब मैं भी अपने आप को 22 साल का मानने लगा हूं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं डॉक्टर साहब, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो बेटे डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। पहले आप नमस्ते बोलिए, ये अपने आप बोलेगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर अंकल। That's like a good boy.
चलो बेटा। यू आर विक्की ना, डॉक्टर साहब के लड़के। योर फादर इज ए एक्सलेंट मैन। जी ग्रेट। या जो थिंग रेडी फॉर सर्जरी, यार भी 10 मिनट्स। फाइन। ए भरी, व्हाट्स अप? हाय डैड, आपका पूरा अंकल से बात कर रहे थे और मैं आपको एडमायर कर रहा था। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ बेटे, जब तुम अपने पेशेंट को चेक कर रहे होगे और मैं वहाँ खड़ा होकर तुम्हें एडमायर कर रहा होगा। एनीवे, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही डैड। मैं निकलता हूँ। निकलता हूँ? वेल देन कैरी ऑन, मुझे भी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है। आई विल कैच अप विद यू इन द इवनिंग, राइट? यस डैड, आई लव यू। पगला मुंडा है। इतने अच्छे पापा मेरे, बचपन से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने किया हो और उनको अच्छा ना लगा हो। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे मन की बात वे नहीं समझ रहे और उनके मन की बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं? दरअसल कोई किसी के मन की बात नहीं समझता है, जैसे लवली मेरे मन की बात नहीं समझती। शायद मेरा दोस्त जैकी समझे। आ रहा हूं। यस स्टॉप होगी, जल्दी आ जा रे, बहुत काम है तुझसे। क्या बात है? अरे इधर रूम में आने के तो नॉन यू लॉन यार, हर बात बिगड़ जाती है, पर मुझे इतना बुरा नहीं लगा गया जैसे मुझे आज लग रहा है। सुबह की बात कर रहा है? नहीं, आपकी। मैं लालवीन से मिलकर आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? सुबह वाला आर्गुमेंट हुआ और एक्सटेंड हो गया होगा। दैट्स नथिंग न्यू बिटवीन यू एंड आई। मैं उसे कुछ और कहने गया था। क्या? यू आर लुकिंग सो सीरियस एज इफ यू वेंट देयर टू टॉक अबाउट योगा एंड नर्वा। कुछ ऐसे ही समझ ले बस। मैंने एक मेजर डिसीजन लिया है और मैं लवीन के साथ पहले शेयर करना चाह रहा था। ओके, फिर क्या हुआ? शीरान हुए, उसने ढंग से भी मेरी बात सुनी नहीं, समझना ही नहीं चाहती है। What do I do? You're caring. You decided to get. Shut up यार। मैं इंडिया जा रहा हूँ। हाँ, मैं वहाँ के म्यूजिक पर पला हुआ हूँ और मुझे वहीं जाना है। मुझे सिंगर बनना है। हाँ, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं, तो शॉक है मेरे डिसीजन से। No, I'm not shocked. I'm surprised. And she must be surprised too. Yeah, yeah, break her. You breaking such a big news to her. You expect her to be normal? तू पागल हो गया है क्या? पिंच भी, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा तू लंदन छोड़ के वाकई जा रहा है। जा रहा हूँ, जरूर जाऊंगा। मोहिश से उसने ना कुछ कहा ना मेरी बात सुनी। वो मुझको खुद से अलग करके बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं कितना इंतजार करूंगी, वीक्स की, मंथ्स की। यार, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अरिथमेटिक्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई डू। शुक्रिया, तू तो नहीं भाग गया। Shut up, Vicky. Be fair to her, okay? I'm sure she's just feeling insecure. She loves you. यार, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। तू क्या समझता है? But she should understand, man. समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। We'll talk to her again. तू एक बार फिर से बात करो। ठीक है? तूने घर पे बात की? नहीं। You know what?
just beginning to get a lot of nerves. अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे कुछ पता नहीं. I don't know. मुझे सिर्फ ललिन से बात करनी थी. Never mind. तूने डिसीजन इतना सडनली लिया है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है. तुझे लगता है? Gut feeling. क्या कहते हैं उसे? अंदेशा. कुणाल, आपको पता है विकी हम सबको छोड़कर इंडिया जा रहा है. Really? पागल हो गया है वो. कहता है मुझे और कुछ नहीं, बस सिंगर बनना है. So what's so surprising about that? ये तो तुम पहले से जानती थी. हाँ, but not as a profession. अचानक एक दिन उठकर कह दिया my future, मेरा संगीत, मुझे इंडिया जाना है. आप कुछ समझाते क्यों नहीं उसे? मेरी तो वो कुछ नहीं सुनेगा. और आज सुबह जो मैंने उसकी आंखों में देखा. हाँ, बस तुमने उसकी आंखों में कुछ देख लिया ना. बस if I know Vicky, now he's decided. अब उसको इंडिया जाना ही है. And you please don't be upset. मेरी बात सुनो. तुम मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप भी चाहते हैं वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए. डोंट बी रिडिकुलस नाउ यार. क्या वो अकेला नहीं होगा वहां पे? अकेला? उसके साथ तो है ना उसका म्यूजिक. वो जहां भी जाए उसका म्यूजिक है, ठीक है, बट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू एनीथिंग विदाउट योर इमोशनल सपोर्ट? हां, आई डोंट केयर. डोंट से यू डोंट केयर. ऑफ कोर्स यू केयर. यू कांट से यू डोंट केयर. तुम डर रही हो ना? कुणाल, यू नो व्हाट, I'm really scared. You cannot afford to be scared. देखो, तुम विकी की ताकत हो. You are strength. Just, you've got to be there for. You should be proud of him, yeah. पर इसमें proud होने वाली कौन सी बात है कुणाल? अचानक एक दिन उठकर कह दिया इंडिया जाना है. मेरा म्यूजिक, मेरा संगीत, my future. ज्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया जा रहा है. ये उसका innocence. उसके यही इनोसेंस उसे बहुत आगे ले जाएगा जिंदगी में. कलाकार लॉजिक की बात नहीं सुनता, वो इंस्टिंक्ट पे जाता है. यू नो, अपने स्पिरिट की बात सुनता है. लॉजिक की बात सुनेगा तो दैट बी द एंड ऑफ द चैलेंज. उसके करियर की शुरुआत है. यू लेट हिम ब्लूम. उसे बांध के मत रखो. मैंने कहा बांधा है उसे कुणाल? जो करना चाहे सो करे. नवीन, रिमेंबर वन थिंग. वो जो करेगा, जहां भी जाएगा, वो तुम्हें बहुत चाहता है. I don't think so, Kunal. Come and take you for coffee. No. Look, don't be so upset, यार. मैं घर छोड़ दूँ तुम्हें. चलो. What if she puts her phone down? Phone will take it off. Can you ever begin anything on an optimistic note? Try it, yeah. Don't behave like a fart, okay? Go ahead. Make a call. Be a good boy. कैसी हो तुम? नहीं कहूं तो क्या करोगे? ओह कम ऑन लवलीन, मैं तो सिर्फ व्हाट हैपेंड. कुछ नहीं. आल बोलो ना. चाहती. Hey, it's me, Jackie. उसके साथ होना. और है लेकिन. तो रहो उसके साथ. मुझे क्यों फोन किया? Bad weather. नहीं माइंड, तू घर जा. मैं जाके उससे बात करके आया. छोड़ दो उसके घर. ना माने. ओके, अंदर से. टेक केयर. डोंट गेट बॉदर्ड.